वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आई शेल वेट फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट एंड आई शेल स्टार्ट माई क्लास। जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स। वालेकुम अस्सलाम। और यू सलमान? आओ एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम, और यू? आई एम गुड। वेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लास बिकॉज फिर आखिर में टाइम कम पड़ जाएगा। एक्चुअली टाइम की पाबंदी कोई नहीं करे। कल तो यस्टरडे ओनली वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट और कोई भी नहीं आया क्लास अटेंड करने। आज तो चलिए 2 स्टूडेंट हो गए अभी, तो अभी 3 हो गए। बल्कि गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, अच्छी बात है। ज़्यादा इसमें मैंने इतनी मेहनत से आज का ये लेक्चर बनाया है। काफ़ी मेहनत की मैंने, डायग्राम वायग्राम सब बनाई कि यू विल अंडरस्टैंड। और अभी इसमें मैं बहुत आगे बहुत कुछ करने वाला हूँ। लेकिन वाई हैव चूजन दिस टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि मेरे पास एक सवाल आ गया था, क्वेश्चन 5 सवालों में से एक। तो वो मैंने सोचा कि चलो, 4 तो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिए थे, उसको मैंने स्टॉप कर दिया। अभी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो टॉपिक चल रहा है उससे ही रिलेटेड आप क्वेश्चन भेजें, आस्क करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो जाहिर है प्रॉब्लम भी होता है भाई, यू आर डूइंग दैट टॉप चैप्टर इन योर स्कूल या कॉलेज जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, बट अदर आर नॉट फेमिलियर विद सम इंफॉर्मेशन, सम टॉपिक से वो फेमिलियर नहीं है। तो मैं उससे पढ़ाने का क्या फ़ायदे में, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसलिए दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड, अब तो मैंने क्योंकि बना लिया, शुरू कर दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। अदर आई वर नॉट इंटरेस्टेड स्टार्ट टूडे, कि भाई ये इसमें जब अभी बहुत से बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, उनके समझ में कैसे आएगा। तो मैंने कहा चले मैं ये स्टार्ट करता हूँ, दैट इज़ आई स्टार्टेड दिस। तो अब ये कि हम ये करेंगे इंशाल्लाह, ये होगा, बेहतरीन होगा काम। डाउनलोड करी,
ओके, एक जरा कॉल आ गई थी, आई वॉज जस्ट रिसीविंग द मैसेज। ओके देखिए, अभी आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे जो टॉपिक चल रहा है, करंट टॉपिक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भेजने आप लोगों ने, मुझे ईमेल करना है, और मेरी आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड कि ग्रुप बना लें आप लोग। मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर दिस दीज नोट्स, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप कर दिया, आप सबके पास चले गए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, कोई ज़्यादा बेहतर में यू कैन रिवाइज। वो तो खैर जाहिर, मैंने यूट्यूब चैनल का आपको यहाँ लिख दिया, यू कैन रिव्यू योर लेसन, जो भी आज पढ़ाया जाएगा वो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ फौरन ही, उसी वक्त ही, तो यू कैन रिव्यू ऑल लेसन। कल का मैं नहीं जा रहा, कल का मैं इतना अच्छा नहीं था मेरा टॉपिक, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मेरे कल का टॉपिक नहीं जा रहा यूट्यूब के ऊपर। ओके नाउ स्टार्ट, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, द लैंग्वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब मैं अब इसका एमसीक्यू भी बनाऊंगा एट द एंड ऑफ द टॉपिक, और वो भी आपको सेंड करूंगा, वो इसी में रखूंगा, एंड देन वी डिस्कस ऑल्सो। द शेप इज ट्रांसफॉर्म, द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एंड द न्यू शेप इज कॉल्ड द इमेज। जो ओरिजिनल शेप है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, न्यू शेप हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड इमेज। उसको प्री इमेज भी कहते हैं ऑब्जेक्ट को, बट दैट इज सेम थिंग, प्री इमेज का या ऑब्जेक्ट का एक ही बात है। अ ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द ऑब्जेक्ट ऑनटू द इमेज, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या करता है काम, कि मैप करता है ऑब्जेक्ट को इमेज के ऊपर, जो उसकी लोकेशन होती है, ऑब्जेक्ट को वहाँ से उठा के और इमेज के ऊपर मैप कर देता है, राइट। उसके बाद देखें, गुड, अस्सलाम वालेकुम, द वर्टिसेस द इमेज ट्रांसफॉर्म मैप्स द ऑब्जेक्ट ऑन द इमेज। ओह वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम, इफ द वर्टिसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर लेबल्ड ए बी सी एंड सो ऑन, आई मीन ए बी सी डी एंड सो ऑन, द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिस ऑफ द इमेज कैन बी लेबल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, यानी ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, या ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड सो ऑन। यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके वर्टिसेस को हम ए बी सी डी, या जो भी इमेज होगी उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, और जो इमेज होगी उसमें हम प्राइम का डैश डाल देंगे ऊपर, तो ये ए डैश, बी डैश, सी डैश ये हो जाएंगे वर्टिसेस ऑफ द दैट इज द इमेज। अब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर शेयर करता हूँ स्क्रीन, ये देखें, अगर बहुत मेहनत से एक इमेज बनाई है आज, ये देखिए दिखा रहा हूँ। पहला हमारा है रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन, रोटेशन और एनलार्ज भी है, और ट्रांसलेशन, चार चीज़ें हैं। अभी मैंने इसमें से तीन सेलेक्ट प्रिपेयर कर लिए आज, वो एनलार्जमेंट की जो डायग्राम थी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं बना नहीं सका था, मुझे टाइम इतना मिल नहीं सका था, तो क्योंकि लाइट सारे दिन नहीं थी हमारे पास, तो शाम में तो आई है, तो मैंने यही सिर्फ बनाया थोड़ा सा। नो रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आर कैरीड आउट इन मिरर लाइन। एक एक जैसे आप फिगर में आप देख रहे होंगे, पी क्यू क्या हमारी मिरर लाइन है, राइट। और यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक डायग्राम बने, और एक है बनी हुई है बी डैश, सी डैश, डी डैश। इसका एक पॉइंट मिस हो गया मुझसे यहाँ पर, और वो मैं भूल गया हूँ, खैर कोई बात नहीं। और इस जो कॉम्प्लीमेंट जहाँ लगा हुआ है वो तो आपकी इमेज है, जहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इन अ रिफ्लेक्शन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन बट ऑन द अपोजिट साइड। आप देखिए यहाँ पर लाइन यहाँ बनी, एक एक ऑब्जेक्ट एक साइड पे है और इमेज दूसरी साइड के ऊपर, ये होता है इसके अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर, बीच में आपकी मिडल लाइन होती है, राइट। द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर कॉन्ग्रुएंट बट द इमेज इज रिवर्स। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का होता है कॉन्ग्रुएंट, हम ज्योमेट्री में इक्वल के लिए कॉन्ग्रुएंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इक्वल है दोनों, बट दे आर रिवर्स। पॉइंट्स ऑफ द मिडल लाइन आर इनवेरिएंट पॉइंट अंडर अ रिफ्लेक्शन। हम उनको अगर नंबर मिरर लाइन के ऊपर आपके पॉइंट्स होंगे तो वो हम उसको कंसीडर नहीं करते, दे आर नॉट रिलेटेड टू द इमेज, जो ऑब्जेक्ट उसका ताल्लुक नहीं होता है हमारा। अब देखिए आगे हम करते हैं इसमें भी, या आप डायग्राम को देखें, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बनाई है कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये खुद अपने हाथ से बनाई है आज मैंने शाम में बैठ के। ओके नाउ नेक्स्ट, देखिए आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ, अब इसमें ये आ गया नेक्स्ट पेज। ओके देखिए, इन दिस डायग्राम द शेप, इन दिस डायग्राम द शेप हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पी क्यू, तो हमने पीछे जो भी कर दिया उसमें आ गया, राइट।
अब देखिए असाइनमेंट, अब असाइनमेंट आपके लिए क्या है, दो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए टाइम को नोट करने के लिए, तो यू वोंट बी एबल। अगर आप जल्दी से नोट करना चाहते दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, आपको करना क्या है वो बिल्कुल कोई मसला नहीं। अगर आधा लेक्चर आज होगा पूरे नोट्स नहीं भी हो कम्प्लीट तो विल कंटिन्यू टुमारो। अभी तो खैर अभी भी बहुत टाइम है, 30 मिनट्स लेफ्ट। अगर आप तो कॉपी कर लें असाइनमेंट को, देखिए मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप क्या करेंगे जो स्मॉल स्क्वायर वाली ग्राफ कॉपी थी वो लेना आपने और उसमें प्रैक्टिकल कर दोनों सवाल आपने करने। ड्रॉ पेयर ऑफ एक्सेस एंड लेबल देम -4 to 4 फॉर एक्स एंड वाई, यानी एक आपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस -4 से लेकर 4 तक आपने लेबल करना है दोनों एक्सेस के ऊपर। ड्रॉ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए एट 101 -2 एंड 2 -2 लेबल इट ए, एक ट्रायंगल आपने बनानी है राइट। रिफ्लेक्ट ट्रायंगल इन द लाइन वाई इज इक्वल टू 1 लेबल इट बी। सेकंड पार्ट पार्ट सी इज द ट्रायंगल बी इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स लेबल इट सी, यानी एक आप बनाएंगे ए ट्रायंगल फिर उसको रिफ्लेक्ट करना है आपने बी के और उसको लाइन के अंदर अकॉर्डिंग टू लाइन वाई इज इक्वल टू 1, फिर करना है वाई इज इक्वल टू एक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करना जो उसको आप कहेंगे ट्रायंगल सी। ड्रा पेयर ऑफ एक्सेस एंड ये दूसरा क्वेश्चन, ड्रा पेयर ऑफ एक्सेस लेबल देम -4 to 4 फॉर एक्स एंड वाई। ड्रा ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 1 2 3 एंड 3 3 लेबल इट ए। रिफ्लेक्ट ट्रायंगल, यस बोलिए क्वेश्चन। Reflect triangle A in the line Y is equal to B. Reflect triangle A in the line Y is equal to X. Label it. See, yes, bole. Any question? Sir, मैं हसन हूँ। हाँ बोलिए बोलिए yes. Sir, मैं क्या करूँगा? अभी आपको क्या प्रॉब्लम क्या आप बताएं ना क्या क्या करें अभी क्वेश्चन तो आ दी ना जो मैंने लिखे दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। अरे मैं हसन हूँ आपके आपके पीछे हाँ वाला सर। अच्छा, सॉरी सॉरी मैं पहचान में समझ आ गए ना अब जो आप कहते मैं ऑनलाइन आ नहीं सकता। ओके ठीक है आपने नहीं, कर नहीं, फिर मैंने कुछ कर दिया। अभी आप समझ लीजिए क्योंकि तो आपका टॉपिक स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है और इस क्वेश्चन को अभी कर ही नहीं मैं तो मैं आपको खुद भी करवा दूंगा यहाँ पर आप। ये क्या हाँ बोलिए ग्रेडेड का ग्रेडेड का ये नहीं नहीं अभी नहीं तो डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट सिलेबस होता है लेकिन ओ लेवल का ही है ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक। तो ये अभी मुझे नहीं पता कि आपके हमारा स्कूल में कोई रिफ्लेक्शन का टॉपिक नहीं है। नहीं नहीं अभी सिलेबस में नहीं होगा लेकिन ये नेक्स्ट ईयर तो आएगा ना टॉपिक ये नेक्स्ट ईयर तो हो गई होगा ही आपके पास क्लास नाइन में क्लास नाइन का टॉपिक है जी ठीक है। अभी जी अगर आप लोग उतार रहे तो आई कैन वेट जल्दी से क्वेश्चन उतार लें दोनों। और अगर आप लोग मुझे नंबर व्हाट्सएप कर देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तो मैं आइए आपको अटैचमेंट के तौर पे भेज दूंगा देन यू कैन सी एंड यू कैन सॉल्व दीज टू क्वेश्चन। फिर आपने क्या करना है मुझे फीडबैक देनी है कल क्लास में ये हुआ नहीं हुआ आपसे क्या हुआ अगर नहीं होगा तो आई विल सॉल्व इट फॉर यू मैं करके आपको दिखाऊंगा बना के देन आई विल सॉल्व इट। यहाँ तो नहीं कर सकता ऑनलाइन जा रहा है उसमें टाइम बहुत लगेगा मैं पहले से बना के आई विल शो यू कि मैंने कैसे किया है एंड विल डिस्कस। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप तो करें इसको सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटेशन। इन द रोटेशन यू टर्न एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट अब द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट एक पॉइंट होता है वो ओरिजिन भी होता है दूसरा पॉइंट भी हो सकता है उसके अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। कल मैंने एक अच्छा इतना अच्छा एनिमेशन देखा था रोटेशन का बट आई कैन नॉट मैं सोचेगा मैं किस तरह आपको कोशिश करूँगा कि जूम में शायद हम ऑनलाइन वीडियो दिखा सकते हैं तो आई ट्राई एक दिन प्रैक्टिस करके देन आई शो। बहुत अच्छा एनिमेशन था रोटेशन का और उसमें एक नहीं थी फिगर एक रोटेशन जो बहुत सारे दिखाए थे डिफरेंट रोटेशन मुख्तलिफ तरह कैसे रोटेशन हो रहा है तो उसमें ये विजुअलाइजेशन से ना ये पढ़ने में ज़्यादा समझने में चीज़ों को आसानी होती बहुत अच्छा था। मैं उसको जाहिर उस वक्त तो नहीं कर सका मैंने छोड़ दिया था बट आई विल ट्राई कल मेरे पास हार्डवेयर का बंदा आएगा ना कंप्यूटर का तो मैं उससे डिस्कस करूँगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल डिस्कस करूँगा और मैं खुद भी करके देख लूँगा मेरे पास ऐसा कोई मसला नहीं करने का कल मेरे पास टाइम है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं आपको रिफ्लेक्शन भी क्या कहा था कि दोनों सेम होते हैं इक्वल कॉन्ग्रुएंट इमेज भी ऑब्जेक्ट भी कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम इक्वल यानी साइज में कोई फर्क नहीं आता है शेप भी वही होता है पूरा। अब क्या है अनलाइक रिफ्लेक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर द सेम वे अराउंड
वो सेम रोड का मतलब है कि जैसे अगर टॉप साइड है वो टॉप ही रहेगी, बॉटम नहीं बन जाएगी, या बॉटम में बॉटम रहेगा, टॉप टॉप रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, वो एक साथ पूरे। एक और खास पॉइंट मैं बता दूंगा आपको, जब रोटेशन होता है एवरी पॉइंट इज मूव, एक एक पॉइंट। और इसे कहते हैं आइसोमेरिक, जो मैंने पिछली पहली क्लास में आपको बताया था जब हम ये डिस्कस करें तो रोटेशन, इसे हम कहते हैं आइसोमेरिक रोटेशन, एवरी पॉइंट इज मूव। ये नहीं कि कोई एक पॉइंट आधा शेप मूव कर रहा है और आधा ऐसे रखा वहीं के वहीं, और उसमें कुछ और कुछ और, पूरे का पूरी शेप जो होता है, पूरा ऑब्जेक्ट, सारे पॉइंट रोटेट करते हैं एक साथ। यही तो कि वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा या नहीं हो रहा, तो इस ये तो आप बेफिक्र हैं बिल्कुल। अभी आगे इसमें देखते हैं नेक्स्ट, हम जो मैंने निकाला है थोड़ा सा ये देखें। अब यहाँ पर आगे है, टू रोटेट अ शेप यू नीड टू नो थ्री थिंग, एक शेप को रोटेट करने के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है, द एंगल ऑफ रोटेशन, द डायरेक्शन रोटेशन, द सेंटर रोटेशन। एंड द डायग्राम बिलो शेप पी हैज बीन रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओ। यस हसन, अब देखिए आप ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर डायग्राम मैंने बनाई, जी मैंने बनाई आज शाम में बैठ के देखे। अब ये यहाँ पर ये आपका ये ऑब्जेक्ट है ब्लू में जो है, और जो ऑरेंज है ये इमेज है, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 रोटेट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। ये ग्राफ में चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 रोटेशन में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर सेकंड में आ गया, देखिए इसकी वो रोटेट करके उसका टॉप टॉप ही है, बॉटम बॉटम ही, ये नहीं कि वो इसका जो बॉटम था वो टॉप बन के टॉप बॉटम, वो पूरी की पूरी इमेज रोटेट करके आगे आ गई, राइट। अब देखिए, अब आप देखिए, मैं असल में इसको रिज्यूम करना भूल गया, सॉरी। अब आप देखो, मैंने शेयर कर दी स्क्रीन, आप देखें इसको आराम से देखें थोड़ी देर तक, अभी है हमारे पास टाइम। ये देखिए, अब ये क्या है रोटेशन, ये मैंने रोटेशन की शाम को इमेज बना के आपके लिए बनाई है। आगे देखिए अब इसमें नेक्स्ट ट्रांसलेशन, ये है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखें, ट्रांसलेशन इन अ ट्रांसलेशन एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट मूव्स द सेम डिस्टेंस एंड द सेम डायरेक्शन एंड एज एवरी अदर पॉइंट। ट्रांसलेशन में भी क्या होता है, एवरी पॉइंट मूव्स इन द सेम डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन एवरी अदर पॉइंट, हर पॉइंट की तरह। इसकी भी डायग्राम नीचे है, द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें भी ऑब्जेक्ट इमेज सेम होते हैं, दे आर नॉट डिफरेंट। अब देखिए आगे इसमें पेज, ये आगे डायग्राम ये देखिए, अब आप देखें इसमें यू कैन सी आई एम शेयरिंग द पेज। ये बी ए ट्राइंगल थी और ये ट्रांसलेशन होने के बाद बी बन गई ट्राइंगल। अब देखो बिल्कुल सेम है वही, इसका टॉप टॉप है या टॉप टॉप है, बॉटम बॉटम बॉटम, सेम किसी उठ के जैसे कहते हैं उठ के यहाँ पर आ गए, चल के यहाँ पर आ गई, बिल्कुल सेम। एंड दिस डायग्राम ट्राइंगल एमेल्स ऑन द ट्राइंगल ए ट्राइंगल एंड ए ट्राइंगल जो है दैट इमेल्स ऑन द ट्राइंगल बी, राइट। आगे देखते हैं इसमें, अभी थोड़ा सा और है बस, देन ये फिनिश हो गया। ये देखें इसमें रिज्यूम कर दूं मैं, ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल मूव 6 स्क्वायर टू द राइट एंड 4 स्क्वायर डाउन, द ट्रांसलेशन इज गिवन बाय द वर्टेक्स 6 माइनस 4। देखिए अब वो स्क्वायर काउंट करें, देखिए इन्होंने जो कहा कि 6 स्क्वायर टू द राइट, आप कहाँ से देखेंगे, जो ए जहाँ लिखा वो वाला कॉर्नर, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक मगर थोड़ी सी फिगर में कुछ गड़बड़ मुझे लग रही कि ये 6 है कैसे, 6 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 है ये, मैंने मेरे ख्याल बनाने में थोड़ी सी गलती कर दी है आई थिंक, अभी 6 स्क्वायर नहीं है ये, -4 तो है, ये ए जो था ये बी के, अगर ये ए की ये हम ऑर्डिनेटिव साइड देखेंगे, ए के साथ जो साइड है एडजेसेंट, ये बी का एडजेसेंट देखें, ये 4 नीचे डाउन तो नीचे हो गया 4 -4, पर ये मुझे ये जो लग रहा है ना ये 6 राइट, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ये मैं बनाने में गलती हो गई है। पर देखिए इसमें होता ये है कि जो आपका वर्टेक्स होते हैं ना उसी के साथ से मूवमेंट होती है बिल्कुल, तो ये आपका है ट्रांसलेशन। अच्छा अब मुझे आप बताएं, एक मिनट मैसेज आ गया है, सर आई कांट अंडरस्टैंड एनी थिंग। अच्छा वाई, व्हाट यू कांट आस्क मी इन डिटेल, जरा आप बताएं। यस
What do you want? Yes, what do you, क्या समझ नहीं आ रहा आप बताएं मुझे, तभी तो मैं बताऊंगा आपको, बताएं क्या समझ नहीं आ रहा। अच्छा हसन है आप, एक बात मुझे बताएं, आप ये टॉपिक स्कूल में पढ़ाए हसन? ठीक है आपने टॉपिक पढ़ा नहीं और थोड़ा सा लेट आप क्लास आपने ज्वाइन की नहीं, सी यू हैव योर प्रॉब्लम। ये बहुत ही ड्राई टॉपिक है, ड्राई तो समझते हो, ड्राई टॉपिक है, इतने आसानी से ये आएगा नहीं समझ में, दिमाग में बैठेगा नहीं। मैं इसको आई विल रिपीट इट टुमारो अगेन, जब मैं इसमें ऐड करूंगा एनलार्जमेंट ना, अभी आज बनाऊंगा मैं, तो आज रात में बैठ के कल बनाऊंगा मैं एनलार्जमेंट की डायग्राम है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप मैंने क्यों ये एनलार्जमेंट शामिल किया टॉपिक में, इसमें एक फोर्थ ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन है एनलार्जमेंट। अब एनलार्जमेंट के अंदर क्या है कि इसके भी सवाल पास पेपर में मैंने बहुत सारे देखे जो आए हुए पास पेपर में, उसमें तो आपको उसमें स्केल फैक्टर हम यूज़ करते हैं। अब ये हसन कह रहे हैं कि मैंने ये किया हुआ नहीं है, अब आज ही तो इन्होंने पढ़ा है स्केल फैक्टर वगैरह, तो इससे क्यों नहीं है, वो एनलार्जमेंट ही तो है, उसके एनलार्जमेंट तो स्केल फैक्टर हम यूज़ करते हैं कहीं देखें। अब इन्होंने ये कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं इनको अभी समझाता हूँ कैसे इन्होंने पढ़ा, आज ही उन्होंने मुझसे पढ़ के गए हैं शाम में ट्यूशन। देखिए हम जब ड्राइंग को रिड्यूस करते हैं मैप के लिए, एक्चुअल ड्राइंग को, जैसे हम जैसे कि बिल्डिंग की बिल्डिंग का मैप बना रहे हैं, तो हम स्केल फैक्टर यूज़ करते हैं और मैप बनाने के लिए उसका हम उसको रिड्यूस करते हैं, या अगर हमारे पास मैप दिया हो तो एक्चुअल साइज मालूम करने के लिए उसको स्केल फैक्टर जो भी दिया हो तो उससे मल्टीप्लाई करके देन फाइंड द एक्चुअल साइज ऑफ द रूम, या एक्चुअल साइज ऑफ द पार्क, एक्चुअल साइज ऑफ द हॉल, इस तरह की चीज़ें हम निकालते हैं। तो ये तो खैर मेरे को वो गलत कह रहे हैं, काम देखिए बेकार तो कोविड ने ये, मैंने ओ लेवल की किताब जो है ना, मैंने एक नई परचेज की है कल, जैसे जाए परचेज ओ लेवल की बुक करी कैम्ब्रिज ओ लेवल मैन, जो रिकमेंड की हुई है CIE वाले ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, और वो मार्च 2023 में इसका नया एडिशन आएगा, वो भी मैं ले लूँगा, मतलब ये रिप्लेस कर लूँगा, ये दे दूँगा वो दूसरी लूँगा, मैं उससे बात करके आऊँ चौक वाले से बुक शॉप से। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप अभी भी कोई प्रॉब्लम है, यस आप कौन है, हसन ही है, यस सर, ओके ओके, नो नेवर माइंड नेवर माइंड नेवर माइंड। आप देखें एक चीज जो है ना, ये समझे आप, आपको 11th क्लास में पेपर देना है, तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है, एंड यू आर इन क्लास से एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट यू आर इन क्लास से, और आपको अभी 11th में पेपर देना है, तो 4 साल है ना, तो 4 साल में आप तो क्या क्या पढ़ लेंगे अभी, और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह, आई होप इफ मेरे लिए पॉसिबल रहेगा, इफ आई आई विल बी अलाइव, मैं अगर तो मैं तो करूँगा इंशाल्लाह, ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं इतनी इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों की खातिर तो कर रहा हूँ, मुझे इसमें ये थोड़ी है कि भाई हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है, आई डोंट माइंड, मुझे कोई भी मसला नहीं, आई एंजॉय रियली, आई एम वेरी हैप्पी टू डे कि आज काफ़ी स्टूडेंट आ गए। अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, दूसरा मैं इसको शुरू से रिव्यू करना चाह रहा हूँ, तो कहना ही बताएं आप लोग, रिव्यू करूँ शुरू से दोबारा इसको थोड़ा सा, तो कुछ स्टूडेंट बाद में आए लेट आए तो मैं शुरू से इसको रिव्यू कर देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखिए पहले तो थोड़ी ये इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इन्फो ईमेल education.msc@gmail.com, यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/munirahmad1515। अब देखिए अब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ क्विकली, सो दैट कि ये टाइम के अंदर अंदर सारा रिव्यू हो जाए। पहले देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, द लैंग्वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन अ शेप इज ट्रांसफॉर्म्ड, द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एंड द न्यू शेप इज कॉल्ड द इमेज। देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं, आई रियली मैं जब किसी भी मैथ के टॉपिक में इंग्लिश होती है तो आई लव वेरी मच, आई लाइक इट। हम खाली 2+4 सभी कह लेते हैं, कैलकुलेटर में फीट के लो जी स्क्वायर निकाल लिया, कैलकुलेटर खटखट निकाल आगे आंसर, बट ये चीज़ आई लव दिस इंग्लिश, जितनी ज़्यादा इंग्लिश होती है तो मैं उस टॉपिक को बहुत डिटेल में करता हूँ, बहुत डिटेल में कराता हूँ, आई लव दिस, तो इंग्लिश होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ क्या है कि वो स्कूलों में प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम,
उसमें इंग्लिश को कट कर दिया, डायर कहाँ से निकाला, सॉल्व करके दे दिया, लो ये आंसर हो गया। इट्स नॉट द वे टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। जो हमें सपोजिशन जो इंग्लिश हमने ऐड करनी है वो ऐड करनी चाहिए। एंड आई होप इंशाल्लाह मैं कल भी इस कोर्स शुरू से टॉपिक को रिव्यू करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन से ही, जो मैंने कल आपको एंडार्जमेंट कराना। ओके तो जल्दी से मैं कर दूँ जो अभी आए लोगों को सुन ले, ताकि और शेप इज ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एंड अ न्यू शेप इज कॉल्ड द इमेज। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल शेप होगी कोई भी शेप हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, कोई भी चीज़ एनी, और इसके अलावा और कोई क्वाड्रिलेटरल किसी भी किस्म का, दैट इज कॉल्ड, और भी बहुत सारे, कोई भी एक एबनो यानी कि अनयूजुअल किस्म का डायग्राम बनी हुई है कोई, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो हमें नई शेप मिलेगी उसे हम कहेंगे इमेज, राइट। मैं इसका इंशाल्लाह क्विज भी बनाऊंगा बहुत जल्द, एंड आई डिस्कस विद यू। अ ट्रांसफॉर्मेशन मेज द ऑब्जेक्ट ऑन द इमेज। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को इमेज के ऊपर मैप करता है, राइट। इफ द वर्टिसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर लेबल्ड वन ए बी सी एंड सो ऑन, द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ द इमेज कैन बी लेबल्ड एज ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, और उसके बाद आगे चलते हैं, रिव्यू कर रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन या आगे रिफ्लेक्शन डायग्राम। हाँ वो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आर कैरिड आउट इन मिरर लाइन। देखिए यहाँ पर जैसे मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, पी क्यू मिरर लाइन है और आपकी जो ए सी डी ट्राइंगल बनी हुई है, जो बी जाए सी जाए डी जाए, ये आपकी इमेज है। बिलो दी लाइन इमेज, अबव दी लाइन ऑब्जेक्ट है, ये ट्राइंगल जी क्या है, रिफ्लेक्शन। अभी जैसे होता क्या है, जैसे वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो जितनी दूर हम मिरर के सामने होते हैं उतनी दूर अंदर इमेज बनती है, करीब आएंगे तो इमेज करीब बन जाती है, दूर जाएंगे तो दूर इमेज बनती है मिरर के अंदर। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर हम ये मैं अभी इमेज ऑब्जेक्ट करीब रखता तो इमेज जो करीब बनती है उसी के हिसाब से, राइट। और ये जो मैंने इसको इमेज बनाई है काफ़ी मेहनत से बनाई है, ताकि यू अंडरस्टैंड ये हो क्या है, ये आपका रिफ्लेक्शन है सीधा सीधा सिंपल बिल्कुल। और रिफ्लेक्शन में क्या है, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर कॉन्ग्रुएंट बट द इमेज इज रिवर्स। देखिए ऑब्जेक्ट इमेज क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, ज्योमेट्री के लिए हम कभी भी इक्वल का इस्तेमाल नहीं करते, एंगल इक्वल है, वी नेवर से एंगल एंगल्स आर इक्वल, वी से एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या स्ट्रेट्स अगर आर कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हम ये नहीं कहते ट्राइंगल्स आर इक्वल, दैट इज रॉन्ग। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ज्योमेट्री में हमारा मतलब होता है इक्वल। ओके नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है। अब मैं कल आपको दोबारा इसको बता दूंगा दोनों क्वेश्चन, इस वक्त टाइम नहीं है। अब मैं थोड़ा सा रोटेशन को रिव्यू करना चाह रहा हूँ, रोटेशन आपको बता दूँ, ये देखें रोटेशन। ओके लेट मी शेयर इट। देखिए अब ये रोटेशन क्या है, इन द रोटेशन यू टर्न एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट, द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन, एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी वही इक्वल होते हैं। अनलाइक रिफ्लेक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड, द ऑब्जेक्ट इमेज इमेज आर द सेम वे अराउंड। ठीक है, द रोटेट टू रोटेट अ शेप यू नीड टू नो थ्री थिंग्स, द एंगल ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये आपकी तीन चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसकी एक और डायग्राम मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, इसको स्क्रॉल कर लूँ। देखिए ये आ गया, ये रोटेशन है जो मैंने बनाई, ये डायग्राम आपके लिए, ये देखिए आप, ये जैसे व्हील घूमता है ना, आप एक काम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आपके घर में अगर गाड़ी या कहीं हो, क्या करेंगे, दो जगह मार्कर से वाइट किसी चौक से मार्क कर दो पॉइंट्स को, देखिए व्हील जब चलेगा तो वो पॉइंट मूव करते चला, दिस इज रोटेशन, वो पॉइंट टॉप पे आएगा, फिर लेफ्ट पे आ जाएगा, फिर बॉटम पे आ जाएगा, फिर राइट पे आ जाएगा, दैट इज रोटेशन, बिल्कुल ऐसे इसमें होता है। अच्छा अब आता है ट्रांसलेशन। ओके इन द ट्रांसलेशन एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन एज एवरी अदर पॉइंट, द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर, इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो आगे आते हैं नेक्स्ट रेशियो पर, ये आपका ट्रांसलेशन का डायग्राम बनी हुई है,
लेट मी थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर शेयर करता हूँ अभी पेज को। ये देखिए मैंने शेयर कर दिया। इन दिस डायग्राम ट्राइंगल मेल्स ऑन द ट्राइंगल, ए जो है वो बी के ऊपर मैप कर रही है। ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल मूव 6 स्क्वायर टू द राइट एंड 4 स्क्वायर डाउन। ये इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, जो 5 स्क्वायर लग रहे हैं मुझे, मैंने जो काउंट किए ना अभी, देखिए 1 2 3 4 तो इसमें आ रहे हैं कि इसमें 6 नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है। अगर मैंने डायग्राम गलत बनाई है, मुझसे ये लिखने में गलती हो गई है, पॉइंट जो मैंने वर्टेक्स के लिखे हैं। ओके आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है। मैं इसको कल रिव्यू करूँगा दोबारा से, और इसमें एंडार्जमेंट को ऐड करूँगा और क्वेश्चन भी ऐड करूँगा। आई होप कि आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए वो आप करेंगे। अगर अभी भी किसी को ज़रूरत है तो मैं वो पे दोबारा आपका ले आता हूँ, जो जहाँ मैंने क्वेश्चन लिखे हुए। दोज वांट टू कॉपी दिस क्वेश्चन, दे कैन कॉपी दिस क्वेश्चन, मैं ला रहा हूँ वही पेज वापस। सर, हाँ बोलिए बोलिए। वो असाइनमेंट में क्या हाँ हाँ बोलिए। मतलब वो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू टू या वाई इक्वल्स टू वन, क्या वाई मतलब वो है? देखिए 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 मैं बताता हूँ आपको। वाई इज इक्वल टू है, आपका वाई एक्सिस होता है ना, एक्स वाई एक्स वाई इज इक्वल टू का मतलब है एक्स एक्सिस पे पैरेलल लाइन, जहाँ वाई इक्वल टू होगी वो लाइन ड्रॉ होगी, दैट इज अ मिरर लाइन। ये है मतलब, आया समझ में? जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स का मतलब है बीच में से जाएगी लाइन, एक्स और वाई इक्वल टू सेम, एंड टू टू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 पूरी सेंटर से लाइन जा रही होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। वाई इज इक्वल टू का मतलब है कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जहाँ वाई के लिए टू होगी, एक पैरेलल लाइन बनेगी, दैट इज द मिरर लाइन। आप कीजिएगा क्वेश्चन, मैं बना दूंगा ना, आई एक्सप्लेन यू। असल प्रॉब्लम है कि उसको बना के समझाना जो है ना जरा मुश्किल। मैं वो ये कोशिश करूंगा कि अगर को मुझे एनिमेशन मिल जाता है ना इसका, उसको मैं आई विल शो यू ऑनलाइन, मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा जूम के थ्रू, अगर इसमें ऑप्शन को है वीडियो दिखाने का तो। वैसे दिखा भी सकते हो, मसला थोड़ी है, मैं उसे यूट्यूब पे लोड करके डाउन उसको वो कर लूँगा मिनिमाइज, एंड देन यहाँ पर हम स्क्रीन को शेयर करना था क्या, दिखा दूंगा मैं कल, आई विल ट्राई। ये देखें जब तक आप व्यू इसको, इस टॉपिक को मैं इतना डीप इसे लेके जाऊँ, इतना आसान नहीं है, बेस लग तो रहा है इतना आसान, बट दिस नॉट वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट। इसको समझना है प्रॉपर तरीके से, बेसिक चीज़ें अभी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल आज ग्रेजुअली आई इसको मैं थोड़ा हार्ड करूंगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब देखें अभी चारों चीज़ें मैंने इसलिए रखी ताकि आप कंपेरिजन करें, क्योंकि तो चारों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसलेशन भी, रिफ्लेक्शन भी, और रोटेशन भी, और एनलार्जमेंट, ये सारी चीज़ें काम की हैं। ये थोड़ी के मैं खाली आपको रोटेशन करा के वो क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में बाकी सब छोड़ूँ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आई विल डू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ टॉपिक्स। इसमें यह कि मैं इंशाल्लाह कल, अभी मैं देखूंगा, अभी रात में देखो किसी, अगर मैं वीडियो मिलती है हो सकता है कि डाउनलोड का ऑप्शन होगा तो डाउनलोड कर लूँगा, फिर तो कोई इशू नहीं है, उसको जब हमें चलाना होगा चला के देना चाहिए वो, फिर देन वी कैन डिस्कस सॉल्व। आप खुद भी करके देख लीजिए, इफ़ यू हैव फैसिलिटी, यकीन आपका कंप्यूटर होगा इंटरनेट होगा तो कर सकते हैं आप लोग आसानी के साथ, बिल्कुल। उसमें यह है कि आप उसको व्यू करें और फिर आप देखें, आपको समझ में आएगा विजुअलाइजेशन का। एनिमेशन का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप मेरे साथ अगर देखने चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह अभी शो यू। तो फिर यह है कि आप कल मिलेंगे इंशाल्लाह, आई होप कि आप ये आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा। फीडबैक मेरे पास किसी की भी नहीं आई है अभी तक, कल तो परसों तो खैर मुझे फीडबैक जब भी क्लास में मिल गई थी, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि आई एम डूइंग, लेकिन मुझे ये है कि फिक्र रहती है थोड़ी सी कि अगर आप इफ़ यू आर नॉट गेटिंग तो फिर इस क्लास का फ़ायदा कोई नहीं है ना। यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट गेन समथिंग, नॉलेज जाहिर मिल रही है लेकिन आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ना उसका, क्लास इतना टाइम देने का, आप लोग टाइम निकाल के आते हैं, आपकी अपनी पढ़ाई, आपका अपना होमवर्क, स्कूल का काम, ये सारी चीज़ें होती है ना, यू टाइम निकाल के अब तो बैठते हैं मेरे लिए, तो इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। दैट्स आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोड्यूस बेस्ट, यानी कि क्लास हो, अच्छी क्लास हो, बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको मैं एनिमेशन दिखाऊँ इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।